के जवाब में रवीज राजा ने कहा कि चीन को क्रिकेट में लेकर आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान क्रिकेट की मुश्किलें चीन के आने के बाद कम हो जाएंगी या क्रिकेट इकोनॉमी बेहतर होने का कोई चांस है? इस पर साइन करा के ले लो, कुछ भी नहीं होगा। ये जो इतना शोर मचा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें जैसा भी आपको वीडियो लगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में इस टॉपिक के बारे में करते हैं कुछ बात। धन्यवाद दोस्तों, इस पर बात करेंगे। और दूसरी जानिब इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो है वहां पर एक हलचल हुई है जी। अब वहां पर हुआ ये है कि पाकिस्तान के मनसूखी के दबाव के बाइस इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आयन वाटमोर जो हैं वो मुस्ताफी हो गए हैं। बरतानवी मीडिया का यह कहना है कि आयन वाटमोर ने अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने से कबल ही ये इस्तीफा दिया है। इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान खत्म करने पर दुनिया भर से इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड तनकीद का निशाना बनता आ रहा है। क्या पाकिस्तान ICC में पाकिस्तान को बेहतर मकाम दिलाने में नए चेयरमैन और PCB की एफर्ट राइट डायरेक्शन में जा रही है, इस पर भी हम बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद याहिया हुसैनी साहब। बहुत शुक्रिया याहिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। याहिया, ये आपसे कुछ देर पहले एक खबर हमें मिली है और वो खुशाइंद मालूम तो होती है लेकिन अब पता नहीं कितनी है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सीरीज का जल्द ऐलान होने जा रहा है, तो हमें ये बताइएगा कि ये ऐलान जो होने जा रहा है तो ये सीरीज पाकिस्तान में ही होगी क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के लिए तो पहले ही रमीज राजा साहब मना कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक कहा आयशा आपने, न्यूट्रल वैल्यू पर हमें खेलने की जरूरत है भी नहीं और दो टॉप और वाजे मौकफ होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। लेकिन आपने जो अभी बताया कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने इस बात का इंतजार दिया है कि वो मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान के साथ सीरीज खेल सकती है, दैट्स गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। बट जहां तक आयशा बैनुल अक्वामी क्रिकेट की वापसी के हवाले से बात है कि वेस्ट इंडीज की टीम ने पाकिस्तान का दौरा करना है और फिर आइंदा साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान आना है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के इनकार के बाद ये दोनों दौरे अब इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। रमीज हसन राजा साहब अपने तौर पर जरूर बात कर रहे हैं, रमीज हसन राजा साहब अपने तौर पर इन दौरों के खत्म होने की वजूहत जरूर बता रहे हैं। लेकिन मेरी अपनी जाती राय में कि हम टीमों को डेफिनेटली इन्वाइट करें, उनके साथ हमारा एक बिल्कुल क्लियर कट स्टांस होना चाहिए कि आप हमारे मुल्क में खेलेंगे तो वेलकम, नहीं खेलेंगे तो हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं और वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान सुपर लीग को एक बड़ा ब्रांड बनाना चाहिए, पाकिस्तान सुपर लीग को एक विंडो क्रिएट करके हर साल में जो है वो फाइनल कर देना चाहिए। यही पाकिस्तान क्रिकेट की ममता है, यही पाकिस्तान क्रिकेट की पहचान है। सही है, सही है। अच्छा, ये जो आयन वाटमोर मुस्ताफी हुए हैं आज और कहा जा रहा है कि इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान ख़त्म करने के बाद बोर्ड पर काफ़ी जो है वो तनकीद की जा रही थी, तो चेयरमैन साहब जो हैं वो इस प्रेशर में थे, तो किस हद तक जुड़ी हुई ये दोनों बातें आपस? अच्छा देखें, उनका मुस्ताफी होना और यूं अचानक अपने ओहदे को छोड़ देना बहरहाल एक बड़ी खबर तो है और उससे बड़ी खबर ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा रमीज हसन राजा साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जो है इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर पेश किया और फिर उन्होंने इसको डिलीट भी किया। लेकिन इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान मंसूख कर देना, जिस तरह माइकल होल्डिंग हो गए, माइकल एथेटन हो गए, उनकी खवातीन क्रिकेटर्स हो गई, उनके साथी क्रिकेटर्स हो गए, उनके अखबार हो गए, उनकी मीडिया हो गया, जिस तरह उन्होंने आगे हाथों लिया है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को, आई थिंक के इंग्लिश एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के सरबरा इस चीज को आप प्रेशर के तौर पर इग्नोर नहीं कर सके क्योंकि वाजे तौर पर यह बात सामने आई कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों को नहीं पता था कि जना पाकिस्तान का दौरा जो है वो खत्म किया गया है और ये तने तनहा इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया। तो अच्छी बात है, दुनिया के लिए एक बड़ा पैगाम है ये कि जनाब पाकिस्तान तो सबके साथ बड़े नेक नियती के साथ उनके मुफादात के लिए खड़ा रहता है लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं रहता और एक गोरे ने इस बात के प्रेशर को महसूस किया और अपनी जगह छोड़कर चला गया, ये कामयाबी मैं कहूंगा पाकिस्तान क्रिकेट की। तो ये जो नई चीज सामने आ रही है और इंटरेस्टिंग भी लग रही है या ये जो चाइना की टीम बनाने की बात हो रही है तो क्या लगता है कि कितना सक्सेसफुल रहेगा ये वाला वेंचर और कितनी इम्पोर्टेंस हम बढ़ा सकते हैं चाइना को क्रिकेट में ला करके और ICC में हमारी वर्थ जो है वो कितनी बढ़ सकती है अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है जिस तरीके से कहा जा रहा है? हाँ गालिबन आयशा जो बात कर रही हैं वो आज जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए खेल में
गुफ्तगू की है रमीज हसन राजा साहब ने जी। और उन्होंने बात किया कि पाकिस्तान क्रिकेट को मजबूत करना होगा। उन्होंने बात की कि जी हम दुनिया को एक मैसेज देंगे, चाइना को क्रिकेट में लेकर आएंगे और चाइना के क्रिकेट में आने से जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट ही नहीं दुनिया की क्रिकेट में पैसा भी आएगा। मैं इसे ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि एक दीवाने का ख्वाब, मैं ये जरूर कहूंगा कि रमीज हसन राजा साहब एक फॉर्मर क्रिकेटर है, वो बातों के गुफ्तार के भी राजा हैं और उन्होंने वक्तन फवक्तन इस बात को भी साबित किया है। देखिए चाइना की क्रिकेट में एंट्री अच्छी बात है लेकिन इसके लिए उनके पास खिलाड़ी भी होने चाहिए, इसके लिए उनके पास स्किलफुल क्रिकेटर्स भी होने चाहिए। शायद आपकी मालूमात में इजाफा हो, नहीं तो हम अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं या पीसीबी सपोर्ट कर सकता है राइट। तो मेरा ख्याल है कि अगर इतनी ही पैसे के साथ और अच्छे कोचेस के साथ टीमें बन सकती हैं आयशा, तो मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब की बड़ी ख्वाहिश है, अरब ममालिक की बड़ी ख्वाहिश है कि वो वर्ल्ड चैंपियन बने। लेकिन वर्ल्ड चैंपियन तो दूर की बात, वो 32 टीमों में हर 4 साल के बाद जो वर्ल्ड कप होता है हर साल क्वालिफाई कर नहीं पाते। अगर पैसों के बलबूते पर टीमें बनना शुरू हो जाती है, अगर पैसों की बलबूते पर आप अच्छे कोचेस से जो है वो कोचिंग ले लेते, तो मेरा ख्याल है कि ब्रुनाई दारुसलाम की क्रिकेट टीम आज बेहतरीन क्रिकेट टीम होती, सऊदी अरब की क्रिकेट टीम आज बेहतरीन क्रिकेट टीम होती। कोच आपको सिखा सकता है। नहीं तो क्या चाहिए, क्या चाहिए मतलब अगर अगर चाइना की टीम हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? देखिए आशा मैं आपको यही बता रहा था कि एक लंबे अरसे से माजी में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स चाइना में जाते रहे हैं और चाइना में क्रिकेट के हवाले से वहां पर काम करते रहे हैं। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अगर हम दुनिया में आगे बढ़ने की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन चाइना क्रिकेट में आ जाएगा और वहां पर क्रिकेट जो है वो दुनिया में पाकिस्तान भारत श्रीलंका की तरह मकबूल है, इस तरह चाइना में भी हो जाएगी, ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा जल्दी हो गया और बहुत ज्यादा हो गया है। चाइना क्रिकेट में इन्वेस्ट कर सकता है लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वहां पर भी लोगों में क्रिकेट का जोश और खरोश होना चाहिए, वहां पर भी लोगों में क्रिकेट का पैशन होना चाहिए कि वहां की कंपनियां तभी आएंगी जब वहां पर स्टेडियम क्रिकेट मैचों के दौरान भरें। अभी तो वो लोग बिल्कुल चूसनी मुंह में लेकर बैठे हुए हैं, तो आप बात कर रहे हैं कि जी वो क्रिकेट में कदम रख देंगे, वो पैसे लेकर आ जाएंगे, बिल्कुल पैसे लेकर आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कह देना कि जी वो बेहतरीन टीम बन जाएंगे, तो भाई आप तो 1952 से क्रिकेट खेल रहे हैं, आप कितनी बार वर्ल्ड चैंपियन बने, आप कितनी बेहतरीन क्रिकेट खेले हैं, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने गिरेबानों में झांकने की जरूरत है, अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, आपने कितनी अच्छी क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान में तो गली मोहल्ले में क्रिकेट होती है, स्कूल का बच्चा क्रिकेट खेलता है, कॉलेज का बच्चा क्रिकेट खेलता है, पाकिस्तान में तो रोजाना की बुनियादों पर बच्चे स्कूल नहीं जाते लेकिन क्रिकेट के मैदान में आपको खेलते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर तो सब कुछ मौजूद है, इसके बावजूद हम बेहतरीन टीम नहीं है, बेहतरीन सलाहियतों के हमें खिलाड़ी हमारे पास जरूर मौजूद हैं। तो आप कह रहे हैं कि चाइना में आप एक चिंगारी भड़काएंगे और उनके पास सचिन तेंदुलकर, ग्लेन मैकग्रा, उनको करने से जो है वो हम थोड़ी उम्मीद रख सकते हैं कि बेहतरी की तरफ जाएंगे चीजें। देखिए आयशा बात दरअसल ये है कि हर आदमी ये समझता है कि मैं बेहतरीन काम कर रहा हूँ और अभी रमीज हसन राजा साहब पर ड्राइविंग। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होती है ख़त्म। आपने देखा रमीज राजा का एक स्टेटमेंट आया है कि हम चीन को दुनिया की क्रिकेट में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो दोस्तों मैं तो बड़ा ही लॉजिकल बंदा समझता था रमीज राजा को बिफोर, जब ये मतलब पीसीबी के चेयरमैन बने थे, जब कमेंटर थे, तो बड़ा लॉजिकल बंदा समझता था, बड़ा फेयर बात करते थे अपने यूट्यूब चैनल में। आपको बता दूं पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं उनका एक ड्रीम रहता है रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा यूट्यूबर बनना, अच्छे खासे इंडियन सब्सक्राइबर लेना और व्यूज़ पाना। तो मुझे अब समझ में आ गया कि रमीज राजा क्यों फेयर बात करते थे, क्यों ऐसा खुलकर बात करते थे। लेकिन अब वो वैसी बात नहीं करेंगे क्योंकि पीसीबी के चेयरमैन बन चुके हैं वो। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप पाकिस्तान का एक नया, मतलब मैं क्या बोलूँ, एक जैसे गजवाए हिंद जैसा कुछ सिस्टम आया कि चीन को क्रिकेट में लाएंगे, चीन की टीम बनाएंगे। आपको बता दूं कि चीन में क्रिकेट को बोलते हैं बैंचो ऐसा कुछ बोलते हैं। रमीज राजा का ये एक वीडियो पड़ा हुआ जिसमें वो शायद PSL पाकिस्तान सुपर लीग की कॉमेंट्री करते हुए चीनी आए थे, उनसे पूछा कि क्रिकेट को चीन में क्या बोलते हैं, तो उन्होंने बोला था।
तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान जो जिस तरीके की हरकतें कर रहा है, ये हरकतें मतलब डेफिनेटली ये कॉमेडी बन के रह जाएगी और कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर क्रिकेट में मतलब टीम आनी होती तो आपको भी पता है कि नेपाल की आ जाती, जो कि बहुत पहले से क्रिकेट खेल रहा है, और भारत के जो आस पड़ोस के देश हैं वहाँ की टीम आ जाती, क्योंकि भारत में क्रिकेट पॉपुलर है तो दूसरे देशों में क्रिकेट पॉपुलर हो सकता था। यहाँ तक कि ब्रिटिश राज का हिस्सा था म्यांमार, बर्मा, वहाँ की टीम आ जाती, चीन तो चलो हिस्सा भी नहीं था। तो दोस्तों ये क्रिकेट जो है ये ऐसे मतलब मैं क्या बोलूँ इसको, ये गिल्ली डंडा समझ के नॉर्मली कोई भी आके खेल ले तो ये बहुत मुश्किल गेम है, इतना आसान है नहीं प्रोफेशनल लेवल पे। जब एकदम से आपको भी पता है सब कुछ, अगर आपने क्रिकेट खेली है, लोकल लेवल पे खेलना तो आसान है लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे खेलना एक अलग क्रिकेट है। और ये जो सोचना है कि चीन को आप इंट्रोड्यूस कर देंगे, एकदम से चीन आ जाएगा, तो यूएई भी कितने साल से खेल रहा है, आपको पता होगा केन्या कितने साल से खेल रहा था, केन्या 2003 में सेमीफाइनल तक पहुंचा था वर्ल्ड कप के, वो कब से खेल रहा है, उसकी टीम आज कहां गई। तो ये एक बहुत मतलब अलग खेल है, ऐसा आसान खेल नहीं है, थोड़ा सा अलग खेल है। इसको लेकर जो मतलब सोच रहे हैं रमीज राजा की चीन को लाकर ये बेसिकली बीसीसीआई की डोमिनेशन खत्म करना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि चीन आएगा तो पैसा लगाएगा, पाकिस्तान की तरफ हो जाएगा, इनका दिमाग वही चल रहा है जो मैं सोच रहा हूँ आप भी सोच रहे हैं, मतलब चीन आएगा तो भारत को काउंटर कर लेगा दुनिया की क्रिकेट में, इनका वही दिमाग चल रहा है पूरी तरह से। तो दोस्तों मुझे तो लगता है इनके साथ अभी अफगानिस्तान की टीम कैसा व्यवहार करेगी वो देखना एक इंटरेस्टिंग रहेगा, चीन की तो छोड़ें आप। और जो पाकिस्तान में, मैं भी चाहता हूँ क्रिकेट फले फूले, अच्छी बात है, वहाँ के क्रिकेटर्स आए उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन बेसिकली जो आपको भी पता है कि जो पाकिस्तान जो देश है जिस दिशा में जा रहा है, तो फिर उस दिशा में गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा, क्रिकेट भी पिसेगा, वहां के क्रिकेटर जिनका कोई फॉल्ट नहीं है वो भी पिसेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ये चीन का जो चक्कर है इसके बारे में। मुझे तो बड़ी मतलब एक नई कॉमेडी सीरीज़ पाकिस्तान में आएगी तो उसके वीडियो आपको यहीं पर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।